नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिष में। दोस्तों, कीवो में बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और दोस्तों, कीवो में बहुत बड़ी अपडेट है। आपको अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा दोस्तों। जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारी बात समझ में आएगी दोस्तों। कीवो क्वाइन यह दुनिया की पहली ऐसी क्वाइन है जिसके जो यूटिलिटी के साथ मार्केट में आई है और यूटिलिटी देना शुरू कर दी है दोस्तों। आने वाले समय में कीवो से आप हर चीज़ बाई कर सकते हैं दोस्तों। कीवो क्वाइन आप यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों। कीवो क्वाइन योर जो मंथली रिलीज क्वाइन हो रही है, तीन क्वाइन इस समय जो मंथली रिलीज हो रही है, वह आगे से केवल माइनीड के प्रोडक्ट में आप उसे माइनीड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों हम उसको BCT में ट्रांसफ़र करते हैं, बट आगे से जैसे ही 30 दिसंबर को माइनीड लाइव हो जाएगा और माइनीड का अकाउंट बनना चालू हो जाएगा तो सभी लोगों को माइनीड में उसे ट्रांसफ़र करना होगा। और माइनीड में वहाँ पर आप उसे 500 रुपये के रेट में यूज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यह बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज है। और दोस्तों उन्होंने CMD सर ने इसका एक टोमेटो का एग्जाम्पल देकर आपको समझाया है, मैं बता दूं दोस्तों। दोस्तों उनका कहना है व्हेन वी बाई टोमेटो फ्रॉम डायरेक्ट फार्मर, जब हम किसान से टोमेटो को बाई करते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे लोवेस्ट प्राइस पर टोमेटो मिलता है। यानी मान लीजिए हमें 2 रुपये KG का टमाटर वहाँ से मिल रहा है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे ही हमने 2 रुपये KG का टमाटर बाई कर लिया, उसके बाद दोस्तों हम उससे बड़ी यानी फ्रॉम विलेज मार्केट यानी जो गांव की बाज़ार है उसमें हम क्या करते हैं, उस पर कुछ मार्जिन रख के यानी 3 रुपये किलो में उसे हम सेल कर देते हैं विलेज मार्केट में। तो दोस्तों उसी तरह से जो आपका यू कैन सेल टाइप्स ऑफ सेलेबल क्वाइन जो माइनीड के जो OTT की सेलेबल क्वाइन के अतिरिक्त जितनी भी सेलेबल क्वाइन है उसे सभी को आप BCT में ले जाके आपको बेचना है दोस्तों। जब आप BCT में ले जाते हैं यानी BCT में ले जाकर बेचना है तो दोस्तों वही बात की यहाँ पर बताया गया है कि जो हमने फार्मर से जो क्वाइन मतलब टोमेटो खरीदा तो उसको हम मार्केट में जो गांव की मार्केट है विलेज मार्केट है उसमें हम मार्जिन रख के बेच देते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो विलेज मार्केट है उसमें हम उसे 3 रुपये per kg या 5 रुपये per kg 3 रुपये per kg बेच देते हैं, लेकिन जो वहाँ से होलसेलर है वह उसे जो बाई करता है 5 रुपये per kg पर, तो उसे वह अब उससे बड़े एक्सचेंज में जैसे कि आपने BCT में उसे ले जाके उसे बेच दिया। अब यहाँ पर जो BCT में है परचेज जो BCT में क्वाइन परचेज की हुई है आपने सेविंग अकाउंट से क्वाइन ले जाके BCT में बेच दिया, चूँकि आप फार्मर हैं आपने क्वाइन को पैदा किया है आप क्वाइन को कमाया है तो आप फार्मर हैं,
लेकिन जैसे ही आपने उसको बीसीटी में ले जाके बेचा और बीसीटी में उसके बाद कॉइन को बाय किया, या तो आपने विड्रॉल कर लिया या तो कॉइन को बाय किया, जब वहाँ पर बीसीटी में जो कॉइन बाय की हुई होगी वह जो केजीसी यूटिलिटी है उसमें माई नीड में वह 500 रुपये के रेट से जाएगी। दोस्तों जैसा कि इधर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, एग्जाम्पल के द्वारा, कि फार्मर ने जो टोमेटो है 2 रुपये केजी के हिसाब से बेच दिया, उसको जो गांव की मंडी है उसमें उसने मार्जिन रख के अपना 1 रुपये 2 रुपये किलो रख के उसको बेच दिया, मान लीजिए 5 रुपये में। अब जो उसने 5 रुपये में जिसने बाय किया, अब आगे की मंडी में वह क्या करेगा, उसे 10 रुपये केजी के रेट से बेचेगा। जो शहर की मंडी है यानी बाजार है, उसी तरह से दोस्तों जो हमने बीसीटी में कॉइन को बाय किया है तो माइनेट में 500 में यूज होगी, बट अगर हम उसे बेचना चाहते हैं वॉलेट एक्सचेंज में, तो जब उसे हम वॉलेट एक्सचेंज में ले जाएंगे तो 250 रुपये के रेट से बिकेगी, और अगर माइनेट में यूज करते हैं तो 500 रुपये के रेट से यूज होगी। दोस्तों उसके बाद जो वॉलेट एक्सचेंज में कॉइन बाई होगी वह कॉइन जो माइनेट में वह कॉइन अगर जाती है तो वह 750 रुपये के रेट से कॉइन यहाँ पर बिकेगी। जो वॉलेट एक्सचेंज से माइनेट में कॉइन जाएगी वह 750 रुपये में बिकेगी, या जो आपकी OTT की कॉइन जाएगी वह 500 रुपये के रेट में बिकेगी, जो BCT से कॉइन माइनेट में जाएगी वह 500 रुपये के रेट से वहाँ पर सेल होगी। तो दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप वीडियो को सावधानीपूर्वक देखेंगे और बिना स्किप किए हुए तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद दोस्तों जो वॉलेट एक्सचेंज में कॉइन बाई की हुई है अगर हम माइनेट में ले जाते हैं तो 750 रुपये के रेट से वहां पर बिकेगी। और दोस्तों एक्सचेंज में अगर हम कॉइन को ले जाते हैं 750 रुपये में बाई करते हैं के एक्सचेंज में, तो वह कॉइन ऑल एक्सचेंज में जाएगी, जो 35 एक्सचेंज की बात हो रही है उस एक्सचेंजों में जाएगी और वहाँ 1250 रुपये रेट से वो कॉइन बिकेगी। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ पर आपको मंडी का उदाहरण देकर समझाया गया है कि जो अब होलसेलर है वह 5 रुपये में टोमेटो बाई करता है, तो उसे वह जो ऊपर की मार्केट है उसमें वह 10 रुपये पर केजी के रेट से वह बेचता है। अब वहाँ पर जो एजेंट हैं वह उसको बाय करते हैं होलसेल रेट में, तो उसे 10 रुपये में होलसेल रेट में बाय करते हैं, तो उसे फिर वह आगे जब ट्रेड करते हैं तो उसे 15 रुपये पर केजी के रेट से बेच देते हैं। अब जो सिटी का मार्केट है वहाँ का जो होलसेलर है उसे जब 15 रुपये में बाई करता है तो फिर उसे वह 20 रुपये में बेचता है, आने उसने 15 रुपये में बाई किया और उसकी जो लागत है वह मिला के 20 रुपये हो गई, अब वह उसे 25 रुपये में सेल करेगा। तो इस तरह से उसका रेट बढ़ता जाता है, और जब उसके बाद रिटेल शॉप पर आती है वही 2 रुपये का टोमेटो, तो वह 40 रुपये केजी का बिकता है। दोस्तों तो फार्मर जो है उसे थोड़ा अगर संयम रखता है और उसे वह बड़ी मंडी में स्टेप बाय स्टेप अगर लेकर जाता है तो वहाँ पर उसकी कॉइन बड़े रेट पर बिकेगी, जैसा कि आपको मैंने एक टोमेटो के उदाहरण के द्वारा बताया। ठीक उसी तरह से जो कीवो कॉइन है
जो कीवो सेविंग अकाउंट होल्डर हैं वह एक फार्मर हैं, क्वाइन जनरेटर हैं, क्वाइन को पैदा करने वाले हैं। अब वो लोग अपनी क्वाइन को कैसे रेट बढ़ाना है, सीएमडी सर ने बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला यहाँ पर दे दिया है, तो आप लोग उस फार्मूले को यूज करते हुए अपनी क्वाइन का अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर फार्मर की तरह 2 रुपए में बेच के अपना माल खाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह से आपने जो कीवो क्वाइन जो सेविंग अकाउंट से आईडी क्वाइन है उसे हम बीसीटी में ट्रांसफ़र करते हैं, और बीसीटी में चूंकि 100 रुपये का रेट लॉक कर दिया गया, यानी 100 रुपये से नीचे आप बेच नहीं सकते हैं, उसके ऊपर आपको बेचना है या 100 रुपये में बेचना है। अब उसके बाद जो वहाँ से क्वाइन खरीदी हुई है वह आगे जब जाती है वैलेट एक्सचेंज में, जो बीसीटी में हमने बेचा और उसे अगर किसी ने ख़रीदा, तो जो क्वाइन बाई की हुई है अगर वह वैलेट एक्सचेंज में ले जाता है तो उसे वह 250 रुपये में, 250 रुपये से कम में नहीं बिकेगी, 250 रुपये से ज़्यादा में बिकेगी। अगर माई नीड में ले जाता है तो 750 रुपये में वहाँ पर बिकेगी। जो वैलेट एक्सचेंज से बाई की हुई क्वाइन है, चूँकि अब वहाँ पर 250 से नीचे में क्वाइन नहीं बाई होनी है, 250 से ऊपर में ही क्वाइन आपको बाई होगी, तो जब वहाँ पर आप 250 रुपये में क्वाइन को बाई करते हैं तो उसे के एक्सचेंज में जब आप लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपको 750 रुपये में उसे आप बेचेंगे। और दोस्तों, जो वहाँ पर 750 रुपये में क्वाइन को बाई करेगा वह उस क्वाइन को जो 35 एक्सचेंज है जिसमें बाइनेंस, वज्रेक्स, पैंकेक्स्वैप, बहुत से 35 एक्सचेंज हैं, जो उसमें से आप उन एक्सचेंजों पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वह क्वाइन 1250 रुपये के से ऊपर की बिकेगी, उससे नीचे नहीं बिकेगी। अगर उससे नीचे बिक रही है तो कंपनी 1250 रुपये के रेट से क्वाइन आपकी बाई करेगी। तो दोस्तों, मैं अपनी जो कंपनी की जो वे आने जो आपका एक्सचेंज पर, ग्लोबल एक्सचेंज पर कीवो क्वाइन को ले जाने का जो सीएमडी सर ने रोड मैप बनाया है वह आपको समझ में आ गया होगा, और आप उसके अनुसार काम करेंगे और अपनी क्वाइन का रेट बढ़ाने का आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय कीवो।